नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम उन दिग्गज नेताओं की जिनकी अब सुर्खियां यहां पर बन रही हैं कि तमाम दिग्गज नेता विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है और चौंकाने वाला नाम जो है वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ के बारे में तमाम जो कयास लग रहे हैं उन कयासों के आधार पर कहा जा रहा है कि कमलनाथ आगामी वक्त में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले। आपको बता दें कि वर्ष 1980 में एक नारा चला था, इंदिरा गांधी के दो हाथ, एक संजय और दूसरा कमलनाथ, यानी कि राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में राजनीति में प्रख्यात थे कमलनाथ। कमलनाथ जो कि इंदिरा गांधी के ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे और उसके बाद उनके जो राजनीतिक करियर ने उड़ान भरी वो वाकई बहुत लंबी थी। आपको बता दें कि कमलनाथ 77 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जाने की तमाम खबरों पर ये अफवाह चल रही है और कांग्रेस पार्टी इनको अफवाह बता रही है कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तीन पीढ़ियों में गांधी परिवार के साथ काम किया, आखिरकार वो कैसे जो अपने डीएनए को बदल सकते हैं। यानी कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के डीएनए को कांग्रेसी डीएनए बता रहे हैं। इस पर स्पष्ट हो जाता है कि कमलनाथ जिस तरीके से यहां पर मीडिया के सामने आए, उन्होंने भाजपा में जाने की तमाम अटकलों पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं कमलनाथ ने जिस तरीके से अपना बयान दिया। प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसी जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी देखते इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाली जोधपुर में जहां हम बैठे हैं, महापौर पलायन, कमलनाथ जी भी दिल्ली में हैं सर, क्या ये कोई पलायन नहीं है? एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी चर्चा है। ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनी खेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है। और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ पर कमलनाथ साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई भी बात होगी आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शांत नहीं होती हैं और जीतू पटवारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है। जीतू पटवारी जो कि 2023 में कमलनाथ की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रधान बने हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके यहां पर कमलनाथ को अपना सर्वमान्य नेता बताया और उन्होंने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, कांग्रेस छोड़ करके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। आइए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा आपको इस खास रिपोर्ट में सुनाते हैं। अंतोगत्वा में आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं?
कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं। मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। तो आपने सुना यहाँ पर जीतू पटवारी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं लंबे वक्त से, और या ये कहें कि अपना पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें कमलनाथ को उसी वक्त आघात पहुंचा रही थी जिस वक्त इन खबरों ने सुर्खियां पकड़ी थी। आपको बता दें कि ये भी सुर्खियां चल रही है कि करीब 22 से 23 विधायक कमलनाथ के संपर्क में हैं और ये तमाम लोग कमलनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खंड खंड होती हुई दिखाई देगी? क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो 22 से 23 विधायक यदि उनके साथ जाते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी संगठन के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा झटका होने वाला है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती हैं और उनमें से छिंदवाड़ा सीट जो कि कमलनाथ की परंपरागत सीट मानी जाती है, 9 बार सांसद बने हैं और ऐसे में क्या छिंदवाड़ा सीट भी अब यहां पर कांग्रेस पार्टी से छिन जाएगी? इस पूरी घटनाक्रम पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट। अरे भैया, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा जी, आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। क्या 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो आपने सुना यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ दिग्गज नेता है, अनुभवी नेता है, कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियों में वो गांधी परिवार के साथ मिलकर काम करते आए हैं। उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री रही भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया, उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ काम किया और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी वो काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के बारे में चल रही ये तमाम अटकलें महज अफवाह है। अब देखना यही होगा कि क्या ये अफवाहें और अटकलें जो चल रही हैं ये हकीकत में बदल जा पाती हैं और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।